वेलकम बैक टू हाना चौधरी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो अब जैसे अभी ये दोबारा से मैंने लास्ट टाइम तो एक आपको रिव्यू दिया है फाउंडेशन का कि ईद के लिहाज से, तो इसी तरह अब जब ईद है और फिर हर किसी का दिल चाहता है कि वो उसका कलर फेयर हो, स्किन नीट हो और आपकी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही हो। रमज़ान से वैसे भी कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत अच्छी ग्लो भी करने लग जाती है, क्योंकि रमज़ान की रूटीन हमारी कुछ अलग रूटीन होती है कि रमज़ान का एक अपनी बरकतें रहमतें होती हैं। तो इससे भी हमारे पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ने से, वज़ू करने से इंसान के चेहरे पर कलर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके कलर्स वगैरह को फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी रोज़ा रखने से या कुछ भी उनकी आगे पीछे रूटीन होने की वजह से भी उनकी स्किन पे एक्नी या कुछ डल स्किन हो जाती है। तो अब ईद पे तो हर कोई दिखना चाहता है अच्छा मेरी तरह। तो इंसान ने दावतों पे जाना होता है, किसी ने हमारे घर में आना होता है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमें हर वक्त हम बेस भी नहीं लगा सकते हैं। हम कहीं जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि इंसान तैयार होकर जाए, लेकिन जब हम घर में होते हैं या जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो फिर उनके सामने हर वक्त घर के अंदर हम तैयार नहीं होकर रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि हमारी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही हो, हमारी स्किन दाग धब्बे के बगैर वाली हो, नीट एंड क्लीन हो और अच्छी शाइन कर रही हो, ठीक है। तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। मैं काफ़ी देर से ना, मैं कम से कम 4-5 साल से ना अच्छी क्रीम के रिजल्ट उसकी तलाश में थी कि कोई मुझे अच्छी सी क्रीम मिल जाए जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी ना हो, लेकिन हमारी स्किन भी अच्छी हो, कि आपकी स्किन फेयर ना हो। मैं ये नहीं कहती कि आपकी स्किन फेयर हो, तो लेकिन स्किन वो अच्छी होती है जिसके ऊपर कोई निशान ना हो और कोई ग्रीसीनेस ना हो, उसके ऊपर कोई ब्लैक हेड्स ना हो, तो आपकी स्किन वो अच्छी स्किन होती है। देखें, स्किन तो जो सांवली रंगत आप कह लें तो वो भी रंगत अच्छी रंगत है, वो और वाइट रंग भी अच्छा रंग है। तो लेकिन ये कि नीट स्किन का होना, ग्लो का स्किन का करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन नीट हो, आपकी स्किन पे से दाग धब्बे ख़त्म हो जाए, एक्नी के निशान ख़त्म हो जाए, स्पॉटलेस हो जाए आपकी स्किन, तो उसके लिए बहुत अच्छी क्रीम है, मेडिकेटेड क्रीम है ये। और आप जानते हैं कि मेडिकेटेड क्रीम के अगर फ़ायदे नहीं ना है तो वो नुकसान भी आपको नहीं देती है। तो ये जो इसके अंदर ये आपको बताते हैं कि ये 30 ml की इसके अंदर ट्यूब है, तो आपको देखने में तो लगेगा कि आपको कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी की क्रीम है, लेकिन इसकी अमाउंट भी हमें पीस साइज़ की एक अमाउंट चाहिए होती है जो हमारी फेस के लिए इनफ होती है, ठीक है। तो ये आपको सन प्रोटेक्शन भी दे रही है, ठीक है आपको, और ये आपको ग्लो भी देती है, शाइन भी देती है, एवरीडे यूज़ के लिए है ये, ठीक है। इन्होंने नीचे मैंशन भी किया हुआ है कि फॉर एवरी डे, ठीक है, हर किसी के लिए, हर रोज़ के लिए है कि आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाइटनिंग कास्ट भी ये करती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके फार्मूला क्रीम्स होती हैं, जो आपकी लोकल क्रीम्स होती हैं, ये आपकी स्किन को साइड इफेक्ट्स तो देती हैं, फेयरनेस तो बेशक आपको देती होंगी, लेकिन आपकी स्किन पर स्किन आपको उतार रही हैं आपकी स्किन को ऊपर ऊपर से, तो इससे आपको जल्द का कैंसर होने का भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये फार्मूला क्रीम्स में आपको बहुत सी क्रीम्स शामिल की होती हैं जो एकदम से आपकी स्किन को रिएक्ट करती हैं, तो इस तरह एकदम से चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना क्रीम स्किन के ऊपर तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो क्रीम चीज़ वही अच्छी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किन पे वर्क करे और अच्छे सा रिजल्ट लेके आए। तो मेडिकेटेड क्रीम्स आपको अच्छी रहती हैं आपकी स्किन के लिए, ग्लो करती हैं आपकी स्किन को, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। और इसकी क्वांटिटी भी, अगर क्वांटिटी की बात करते हैं आप, तो ईजिली आपका एक मंथ निकल जाएगा आपका इसके साथ। और अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं है, तो प्राइस तो इन्होंने हाँ जी यहाँ पर मैंशन नहीं की हुई है, ये लिखा हुआ है इन्होंने 790, लेकिन ये मुझे 800 समथिंग की पड़ी है। तो अगर आप एक मंथ में अगर आप 800 अपने ऊपर लगा रहे हैं और आपकी स्किन ग्लो कर रही है और आप अच्छे लग रहे हैं मेकअप के बगैर भी, तो इससे बेहतर आपके लिए और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस फिर हम इसकी अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग तो नॉर्मली जिस तरह क्रीम्स की होती है वही है। तो अगर हम इसकी ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत ही छोटी सी ट्यूब है इसकी, तो लेकिन हमारे एक मंथ के लिए इनफ रहेगी ये। तो अब आप बताइए 800 में आता क्या है। तो ये है, ये हमारी है हमारी ट्यूब। तो अब इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी हुई थी कि ये है 20 ml की, आई थिंक मैंने आपको बताई थी, टाइम मैं इसको बता देखती हूँ कहाँ इसका मेंशन किया हुआ है। हाँ जी, 20 ml की ये ट्यूब है। तो सबसे बढ़कर ये कि जो मेरी स्किन है उसकी जो सिस्टर है, सॉरी मेरी सिस्टर की जो स्किन है वो है ऑयली और एक्री प्रोन स्किन है उसकी, तो उसने वो भी यूज़ कर रही है ये, और उसने मुझे ये बताया कि ये वाहिद ऐसी क्रीम है जिसने स्किन पे इचिंग नहीं किया है उसके, और उसके जो स्पॉट्स थे उसके एक्ने के तो वो भी उसके बहुत ज़्यादा लाइट होने लग गए हैं।
तो ये अच्छी है इस लिहाज से कि आपके अगर एक्ने स्पॉट्स भी हैं तो उसको भी अच्छा करा है, और ये ऑयली नहीं, सबसे बढ़कर ये कि ऑयली नहीं है आपके, जाहिर सी बात है अगर ये ऑयली होते हैं तो यकीनन आपकी स्किन पे और भी ज़्यादा एक्ने कर रही होती, या फिर ये आपके स्पॉट्स को डल ना कर रही होती, ठीक है। इसने स्किन को इस ये जो आजकल का वेदर चल रहा है इस मौसम में भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो अभी फ़िलहाल तो यूज़ कर रही हूँ मैं इसको, तो अभी तक के रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि ईद के लिहाज से मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, 800 कोई ज़्यादा नहीं है, इतने महंगाई के दौर के अंदर अगर 800 में आपको एक इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, फार्मा वगैरह से, कहीं से भी मिल सकती है आपको ये। तो आप लें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब मत करें क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, तो हर चीज़ ट्राई करने के बाद ही आपको बताई जाती है कि आपके फ़ायदे के लिए है कि नहीं है। तो आप इसको लाजमन ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे हर चीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमन बताया करें, तो फिर ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरे व्यू लोग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।